बंदे और दुकान चालू स्कूटी स्कूटी चाबी बाइक के चाबी नहीं मिलते उनकी चल भाग सो यस गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर चैनल टुडे इज 21st ऑफ मे और यस उठ गया हूँ चलते फ्रेश होते हैं थोड़ा नाश्ता हो चुका है और हम लोगों ने अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाया है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या खाना बनेगा व्हाट इज योर सजेशन आज सब्जी में क्या है सब्जी में बहुत कुछ है पर तुम खाते नहीं हो क्या एलिगेशन लगा दिए सुबह सुबह एलिगेशन लगाया है मम्मी बताओ गोभी है भिंडी है भिंडी भिंडी नहीं भिंडी भिंडी नहीं भिंडी पालक का दाल खाओगे हाँ सबसे दाल पालक और पापड़ और अचार तो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है खत्म दाल पालक बनने वाला है करेला बनने वाला है जो ये लोग खाने वाले मैं नहीं खाता और पापड़ और अचार दैट्स इट अनुया पर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस कर रही है लंच इज ऑलमोस्ट डन इज इट ऑलमोस्ट डन दाल छोकना बाकी बस तो यहाँ पर मस्त रेड पिंक चद्दर के ऊपर रेड जूस दैट इज वाटरमेलन जूस पीते है जल्दी मम्मी कर रही है पूजा मैंने इसमें नमक डाला एक तो इसमें डाला है और इन दोनों में से एक में डाला है करते हैं चीयर्स साथ में आ जाओ सब लोग चीयर्स 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 सो यस नाना इज डन खाएंगे अभी बैठ के लग रहा है सब का लग रहा है टमाटर वमाटर पड़ रहा है और यहाँ पर देखिए हाय गाइस हाय कैसा है ठीक बा और बाल बाल काट के दाढ़ी वाड़ी काट के क्या बात है शादी है लड़की ढूंढ रहा हूँ शादी है लड़की ढूंढ रहा है शादी पहले कर लेना फिर लड़की ढूंढ लेना नहीं नहीं पहले लड़की ढूंढूंगा उसके बाद शादी है ओके ओके सर पर मिलता नहीं है लड़की अभी गाइस ये हमारा एलिजिबल बैचलर है इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं ये शादी करना चाहता है और ये आपको फ्री फंड में एक ननद मिल जाएगी जैसे ही आप शादी करेंगे फोटो से तो ये एक ननद मिल जाएगी आपको तो सब रिश्ते फ्री फंड के आते हैं कौन सा पैसा लगता है ये ननद आपको बिल्कुल नहीं तंग करेगी तो जो कोई भी एलिजिबल दुल्हन है इससे शादी करना चाहता है और इसको फ्री फंड में ननद बनाना चाहता है प्लीज फोन करिए इस दिए हुए नंबर पे आप इनको फोन करिए और इनसे बात करिए तो हम आ गए छत पे आज जल्दी आए छत पे बिकॉज हम लोग सब टाइम पे चाय काढ़ा सब कुछ कर रहे टाइम पे लंच हो गया था टाइम पे नहाना हो गया अनु तुमने लास्ट कभी किया था नहाना और तो ये क्या है रोज इतना दियो मेरे पूछने का मतलब ये था कि तुम टाइम पे लास्ट कब कुछ सब कुछ की थी ये सब मैंने हॉस्टल में किया था हॉस्टल में तुम बिलीव नहीं करोगे हम 7:30 बजे खाना खाते थे शाम का खाना मतलब रात का खाना 7:30 बजे शाम को हाँ 7:30 बजे तो हमारा थोड़े दिन पहले चाय नहीं हो रहा चाय नहीं होता है तभी ऐसा रूटीन ही था नहीं कि एकदम सुबह 5 बजे ही उठा देते थे फिर ग्राउंड होता था फिर 8 बजे ही ब्रेकफास्ट फिर स्कूल फिर ये वो करते करते 7:30 बजे खाना हो जाता था और फिर रात को जो भूख लगती थी 9-10 बजे का भूख तो लगेगा ना 7:30 बजे अगर कोई डिनर करेगा तो फिर भूख ही लगेगा और क्या तो वो टाइमिंग ही था तो तुम नहीं करो तो तुमको नहीं मिलेगा कई कई बार तो मतलब क्या क्या करे क्या नहीं मंथ एंड पे पेरेंट्स जो होता था जब अपने विजिट पे आते थे घर वाले लोग तो तभी कुछ लेकर देते थे बिस्किट्स और चॉकलेट्स और ये सब फ्रूट्स वगैरह वो और कितने दिन टिकेगा वो तो स्टार्टिंग के 10 दिन में सबका भी खत्म हो जाएगा बाद में के जो 20 दिन होते थे महीने के वो सबसे टफ टाइम होते थे उसमें सब खत्म हो जाता खत्म सबका सब कुछ खत्म हो जाता था मतलब हम लोग का डॉर्म्स था पूरा डॉर्मेट्री एग्जैक्टली वो इसके जैसा जैसा हम लोग मतलब कमाते जो मंथली कमाते सैलरी में कमाते स्टार्टिंग में जितना सब शेयर बन गए फिर बाद में बाय द मंथ एंड टाइम मतलब एक बार 20 तारीख हिट हो गया मतलब कुछ नहीं नो पैसा नहीं। सब क्रेडिट कार्ड पे फिर होता था। हाँ, तो मैं हॉस्टल का बोल रहे थे फिर लास्ट के 20 दिन या 15 दिन भी पकड़ लो इतने टफ जाते थे ना कि हम लोग को मैसेज चोरी करना पड़ता था मतलब कोई लड़की हम जो रोटी चोरी करके ला रही है कोई कुछ फिर घी के साथ रोटी चूर के खा लिया या कभी मैगी बना लिया तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं था गैस नहीं इंडक्शन नहीं कुछ नहीं तो स्टीमर के पानी में गर्म करके मैगी मतलब वो सब भी करते थे बाप रे मैस ना आई स्वेयर कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे ना हमें तो छुपा के टी-शर्ट के अंदर छुपा के एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर वैसे चोरी मतलब चोरी भी एकदम हाई लेवल वाली चोरी होती थी
वो मजा ही कुछ और था, वो दिन ही कुछ और थे। मतलब फैमिली से दूर रहना सिर्फ ट्वाइस ईयर, मतलब एकेडमिक ईयर में दो बार घर जाना एंड बाकी के टाइम फुल हॉस्टल में रहना, वो सब सब कुछ सहना तो नहीं बोल सकते, वो हमारे डिसिप्लिन के लिए था एक्चुअली। इट इज अ वेरी गुड हैबिट कि आप सनसेट के पहले खा लो। तो 7:30 उनके लिए तो बहुत सारे जन खाते हैं आई नो, बट मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजिंग ही था क्योंकि बींग अ बंगाली हमारे घर पे खाना ऑलवेज लेट होता था, पापा वगैरह आने के बाद 11:30 तो बसता ही था खाना। मैं भी बाबा बचपन से हम लोगों ने खाना लेट खाया है, लेट सोए, सब कुछ लेट किया है, होता ही नहीं है अभी भी। मतलब शादी के बाद भी 8:00 8:30-9:00 तो स्नैक्स होता है, फिर तो क्या स्नैक्स खाने के बाद भूख आएगी। 7 से 7:30 तक पूजा होता है, 7:30 से लेकर 8:00 तक चाय बनेगा, फिर 8:15 तक चाय पीना होगा, फिर ये डिसाइड करेंगे कि नाश्ता क्या करना है। जो कि अभी हम लोग 2 दिन, आज सेकंड डे, सब कुछ टाइम पे करने का कोशिश कर रहे हैं। आज अगेन हमारे घर में पानी पूरी का पुचका उचका सब बनने वाला है, पुचका बनने वाला है, मम्मी ने सब रेडी हो चुका है, मम्मी ने सब प्रिपरेशन कर दिया है। आज कोई 8:00 हम लोग ये डिसाइड नहीं करने बैठेंगे अरे क्या खाए क्या खाए। तो चलिए अपने फटफटी पे थोड़ा आ गए नीचे, बहुत बोर हो रहा था हम निकले हैं थोड़ा सा राइड करने के लिए, फ्रेश हवा चाहिए, ये टाइम पे बाहर आने का मजा ही कुछ और है, इतना अच्छा लगता है। सनसेट के टाइमिंग इज द बेस्ट टाइम ऐसा लगता है बाहर निकलने के लिए, एंड हम बहुत मिस कर रहे हैं सब दिन का, वापस आएंगे पता नहीं। इतना पैरट से बाहर बाबरे, ईरान में आपको ना बहुत पैरट्स मिलेंगे, स्पेशली हमारे घर के आसपास और हमारे घर के एरिया के आसपास, यहाँ पे बहुत पैरट्स, पहले इतने नहीं थे अभी बहुत 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 लॉकडाउन, लास्ट लॉकडाउन से ज्यादा होते, तो लोग अंदर घुस गए तो वो लोग भी थोड़ा डेयरिंग करके बाहर निकले, बिकॉज लोग क्या करते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और बंद कर देते हैं पिंजरे में। मैकडोनल्ड्स खाने का बड़ा मन करता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है वो है मैकडी, मतलब मुझे पिज्जा वगैरह इतना पसंद नहीं, इतना पसंद मैं इसको रोज बोलता हूँ लेकिन कि ले लेते मंगा लेता हूँ, मन है बट मंगाने नहीं दे। ये गाड़ी में घुसा रहे लोगों ऐसा मुझे लग रहा है, उनकी चल भाग। फिर लोग पुलिस वाले लोग स्कूटी वूटी का चाबी निकाल के भगा रहे लोगों को, तो भगा नहीं रहे बस में बिठा रहे, बस में बिठा ले रहे डायरेक्ट। काढ़ा हो चुका है रेडी, चलिए मम्मी को उठा देती हूँ फटाफट। मम्मी 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 उठो, काढ़ा इज रेडी। किधर हो, दिख भी नहीं रहे हो? हाँ अब दिखा, चलो काढ़ा 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 काढ़ा। बिस्किट का डब्बा वहीं छूट गया, बैठ गए हम सब, बढ़िया है बढ़िया है। मम्मी का नींद हुआ क्या पूरा? और थोड़ा होना, पूजा करना है मुझे, ये करना है, सिर्फ सोना है कल आपको, ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखो फिर तो आ जाओगे चैलेंज, मुझे कोई उठाओ शाम को, ये मेरा भी शाम को और सुबह को, ये फंडा मेरा भी है। नींद खुद से खुल जाए तो शांति, तो खुलेगी नहीं ना, खुलता नहीं, खुलती नहीं है। 7:30 तो आराम से, 7:30 तो आराम से बज जाते हैं। 2 दिन से मैं अलार्म लगा रहा हूँ इसके लिए मैं उठ पा रहा है। हाँ। मैं भी आम पन्ना ही पीता, ये नहीं पीता, चुपचाप पी लो, अच्छी चीज पीना चाहिए। इसने ये काढ़े में सिर्फ और सिर्फ काला मिर्च दिया है, ये काढ़ा बेकार है, थोड़ी दिन बहुत बोल गई, ये औरत बेकार है। देखिए चाय पे बैठ गए मतलब बैठ जाना, अभी जाके पूजा करो, जाओ उठो तब चाय पे बैठ जाते हैं, वहीं पे एकदम हमारा सीट हमारा एकदम गरम करके सोते हैं। इस सीट का मामला ही ऐसा है, जो एक बार कुर्सी में बैठ गया उठने का नाम नहीं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई, हरी बोले हरी बोले हरी बोले हरी बोले हरी बोल। मम्मी को पूजा करना था और नाइटी देखो, नाइटी बना उल्टा, इसका पॉकेट बाहर आ गया, यहाँ पर चल रहा है आलू काटा की तैयारी, यहाँ पर पुचका, इसको भी मिक्स करना बाकी है, और ये हमारा पानी, अंकल के घर जाने वाला है इसके लिए पैकिंग कर रही है। ये क्या है मम्मी?
भुना हुआ जीरा और मिर्ची, सूखा लाल मिर्च। कलकत्ता में वो पत्ता लेते हैं, पत्ता को ओपन रखते हैं और उसमें आलू काटा देते हैं और पत्ते में से जो डंडा रहता है उसी को टुकपिक बना के ये आलू काटा खाना रहता है। ओह ओह जीभ लप लपाई। आलू काटा हो गया? हाँ, आलू का भी हो गया। वाह वाह वाह। तो ड्यू टू कोविड या अंकल आंटी के घर पे रोज नहीं जा पाती, इसके लिए अभी जब हम पानी पूरी भेज रहे हैं तो ये अभी एक पर्सनलाइज लेटर लिख रही है। क्या बात है, छोटी छोटी खुशियाँ। पानी पूरी सर्व्ड, ये बैठ चुके हैं। लास्ट चैलेंज में विनर कौन था ये तो पता ही है, इसके लिए आज किसी ने चैलेंज का नाम भी नहीं लिया। विनर सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, मस्त। कितना कितना भी पानी पूरी खा लो लेकिन चावल खाना जरूरी है। थोड़ा सा तो रात को नींद में तो नहीं आएगी ना, ऐसा लगेगा ही नहीं खाना खाया है। थोड़ा सा दाल चावल खा लिया। चावल दाल तो जरूरी है भाई, बंगाली बाबू मसाई। ये मैडम ने भी खा लिया चुपचाप चावल। मुझे क्या बोला? बोला क्या बोला? तू खा रही है तो मैं भी थोड़ा खा ही ले। मम्मी के ऊपर टिका दिया और खा लिया चावल। तो बज रहे हैं 10, एग्जैक्ट 10, और हमारा खाना पीना सब कंप्लीट, काम कंप्लीट, किचन में अंधेरा और ये अपना खेलने बैठ गए मम्मी ऑन हर फोन बिजनेस। So, अब हमारे पास है 2 आम की पेटी, एक रहा यहाँ पे और यहाँ पे रहा और एक पेटी, 2 हाफिस आम की पेटी। अम्मी बट अभी तक ये पके नहीं है, पकने के बाद बहुत टेस्टी होते हैं। इसके पहले अंकल ने भिजवाए थे वो भी यही थे, तो ये हम लोग ने अभी मंगवा ली एक्स्ट्रा हमारे लिए, तो एंजॉय करेंगे। आम के सीजन में आम तो भर पेट खाना। मैं भी फोन कॉल पे लगी हूँ पोल्टू के साथ, सब जब बात कर रहे तो मैं भी टाइम पास अपना कर ही ले रही हूँ। सो यस, मेरा हो चुका है गेम खेल के, अब इसको खेलना है लूडो। तो एक गेम से दूसरे गेम पे जाते हुए, पोल्टू को बुलाते हुए और आप लोगों से कल मिलते हुए, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, दैट इज गोजल्स व्लॉग। लविंग गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। गया है मेरे से, फर्स्ट आ गया है, तो इसको भी इतनी खुशी हो रही है।